ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करेंगे खबर से, खबर फरुखाबाद से, जहां भाजपा की ओर से रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि कस्बे में अलग अलग तरह से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, साथ ही पद यात्रा के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया गया, जिसके कारण शहर में जाम की स्थिति भी बनी रही। भाजपा प्रत्याशी सर्वेश साख ने रोड शो में क्षेत्रीय विधायक सुनील साख से भाजपा नेताओं के साथ नगर भ्रमण करते हुए लोगों से प्रत्याशी के लिए जनसंपर्क किया। खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से है, जहां इको गार्डन में कांग्रेस खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर हर जिले में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां कर्नाटक में बजरंग दल को चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बैन करने की बात कही थी, जिसके बाद से ही बजरंग दल को बैन करने के विरोध में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में संपन्न स्थानीय चुनाव से संबंधित एक चुनावी खर्च संबंधित पर्चा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहां वायरल पर्चा को लेकर भाजपा नेता मनोज कुमार सिंह चौहान के ऊपर वायरल करने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। वहीं इसकी पुष्टि करने पत्रकारों ने मनोज कुमार सिंह चौहान से बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के जिला आयोजक ने कहा कि मीडिया को दबाया जा रहा है और वायरल पर्चा समग्र वायरल हो रही थी, लेकिन जिसको मैंने ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दिया था, जिसको लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह चौहान। एक पर्चा वायरल हो रहा है चुनावी खर्चा संबंधित को लेकर, इसमें आपका कहीं ना कहीं जिक्र हो रहा है, आपका नाम का जिक्र हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम जिक्र इसलिए हो रहा है कि समग्र चेतना न्यूज चैनल में पोर्टल चैनल है उनका, उन्होंने इसको ये खबर चलाई और मेरे पास वो ग्रुप में आई, तो मैंने उसको शेयर किया अपने ग्रुप में। अब इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी की भी खबर हो, किसी भी चैनल की खबर हो, मैं किसी को सब्सक्राइब कर सकता हूँ, किसी को मैं शेयर कर सकता हूँ, या तो मेरे पास आए ना, मैं भी भेजता हूँ खबरें, तो लोग उसको शेयर करते हैं, भेजते हैं, अगर उसमें कोई आपत्ति है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जो है सभी नगर थाने में एप्लीकेशन भी दी गई है उद्योगी के खिलाफ, ऐसा ऐसा मनोज ने चलाया है, हमने अमल लेते हैं समाचार में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आपने चलाया है? सरासर गलत है, चेक कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल है अमल लेखनी का, जाइए यूट्यूब पर देखिए क्या उसमें कोई खबर चल रही है अमल लेखनी तरफ से, या कहीं किसी पे हमारा जो पेपर आता है उसमें कहीं छपी है न्यूज, बिल्कुल सरासर गलत है। ये सिर्फ समग्र चेतना ने चलाया है और ये जो शोर शराबा कर रहे हैं ये लोग, ये भी नहीं कहते हैं कि ये लिस्ट कहाँ से निकली है, ये मीडिया के पास कैसे पहुंची है, इसमें सही क्या है गलत क्या है इसकी जांच कराई गई, जांच कराने के बाद फिर इसमें जो दोषी पाया गया उसके ऊपर कार्रवाई किया गया। अब तो ये एक प्रकार से मीडिया पर दबाव बना रहे हैं कि मीडिया कोई खबर नहीं चलाएगा, मीडिया की खबर कोई शेयर नहीं करेगा, इसके ऊपर मानहानि का दावा कर देंगे। ये सब ये वो व्यक्ति हैं, ये पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है, दूसरे दल से आए हुए व्यक्ति हैं। इनका मकसद है हमारी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना। हमारे विधानसभा के माननीय विधायक जी राजेश्वर जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गरीब जनता के दिल में इतने एक साल के अंदर इतनी अच्छी जगह बनाई, इतना बढ़िया काम किया और महिला सशक्तिकरण को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, स्कूलों को डिजिटल कर रहे हैं, इन जितने काम हमारे विधायक जी कर रहे हैं ये लोग उस पर पानी फेरते चले जा रहे हैं। एक तरफ से मैं तो बोलता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच करा करके और जो दोषी पाया जाए उसको सख्त सख्त कार्रवाई उसके ऊपर किया जाए। और जो आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, ये तो कहते हैं मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर है, कहां से लाए ये रुपया? एक समय ये टेम्पो चला रहे थे, ड्राइवर थे, गैस एजेंसी है इनकी नहीं है। हमारे सांसद रामलाल कुरिल जी की है, उसमें नौकर है। जब बताइए एक गैस एजेंसी में नौकरी करने वाला व्यक्ति 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, इसकी इतनी सैलरी हो गई? मैंने 26 साल इंडियन आर्मी में सर्विस किया, मेरे पिताजी ने इंडियन आर्मी में 32 साल सर्विस किया,
हम तो आज तक उसके अगल बगल 50 करोड़ के नहीं पहुंच पाए। आप टैक्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, मैं भी करूंगा, इतना मेरे पास पैसा होगा मैं भी दूंगा टैक्स। लेकिन दूसरे दल से आकर के मेरी भारतीय जनता पार्टी की छवि पर अगर ठेस पहुंचाएंगे तो मैं इनके खिलाफ बोलूंगा, मीडिया पर दबाव बनाएंगे, मैं इनके खिलाफ बोलूंगा। मैं भी इंडियन आर्मी से रिटायर हूं, जो बोलूंगा जो करूंगा सब सही करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये जो सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता है उस पर ये दबाव बनाते हैं, ये लोग उसको धमकाते हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारे मूल कार्यकर्ताओं पर ये दबाव बना लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैं अपने मूल कार्यकर्ता के साथ हूं भारतीय जनता पार्टी के। बाहर से आए हुए दलों के लोग अगर परेशान करेंगे और गलत काम करेंगे, जब जब गलत काम करेंगे मेरी नजर में आएगा, मैं उसको उजागर करूंगा। और ये जो कृत्य है जो किया गया है, मैं अपने प्रदेश नेतृत्व से निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा, माननीय राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि इसकी जांच होना चाहिए। ये बहुत ही संगीन मामला है, संदिग्ध है, जो लिस्ट में लिखा हुआ है उस हिसाब से बहुत संदिग्ध है, और जांच करा करके इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। इससे पब्लिक के बीच में हमारी पार्टी की का बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है। वो कौन लोग हैं जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं ऐसे, उनका नाम आप अपने मुंह से बता दीजिए। एक राकेश सिंह है, राकेश सिंह कोई यही के बताते हैं, ये सपा में थे और वो बोल रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मेरे ऊपर ये आरोप लगा, इन्होंने ये आरोप कर दिया, वो आरोप कर दिया, तो वही आरोप लगा रहे, बाकी कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जो सत्यता है ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इसकी जांच कराई जाए? मीडिया पे आरोप लगाएंगे, मीडिया को धमकाएंगे, पुलिस को एप्लीकेशन देंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। माना अमित दावा कर, ये अभी 4 दिन पहले सपा से भाजपा में आए, ये कोई सदस्य नहीं है भाजपा के। अगर सक्रिय सदस्य है तो ये दिखाएं उनको, नहीं हमसे लीजिए, मैं दिखाता हूं मैं सक्रिय सदस्य हूं भारतीय जनता पार्टी का। तो ये सिर्फ अपनी बचाने के लिए इतने कारनामे बताएं इनका क्या है? गैस एजेंसी है इनकी, जो जहां पर गोदाम है इनका, वो जहां आम जनता रहती है, मकान बने हुए उसके बीच में इनका गोदाम है, ये क्या मानक के खिलाफ नहीं है? क्योंकि अगर गैस में, अगर उस गोदाम में कुछ हो जाए तो कितनी जान का नुकसान पहुंचेगा, सोचने का विषय है। उसके अलावा आलीशान होटल बना है, कि मानक के विपरीत नहीं है? कहां नक्शा पास है इनका, दिखाएं इनको। और इतनी छोटी सी पेमेंट में, कोई बहुत बड़ी पेमेंट नहीं, 500 करोड़ जो 50 करोड़ का टर्नओवर बता रहे, इसकी भी जांच होना चाहिए, तभी पता लग पाएगा कैसे क्या है मामला इनका। और ये जो काम कर रहे हैं हमारी पार्टी में आकर के उल्टे सीधे, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल पाएगा। अगर चलना है तो भारतीय जनता पार्टी की गाइडलाइन पे काम करना पड़ेगा। जो मिशन है मोदी जी का, जो मिशन है योगी जी का, भ्रष्टाचार मुक्त, क्राइम मुक्त, तभी भारतीय जनता पार्टी में रह सकते हैं। ऐसे अगर ये करते रहेंगे, अगर हमारी नजर में आएगा तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मैं बिल्कुल उजागर करूंगा। अभी मैंने जो इन्होंने कहा है, जो कुछ है, जो कुछ मेरे पास है, ये लिस्ट अभी है मेरे पास, मैंने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय राजनाथ सिंह जी को भेज दिया लिख करके। अब वो जो कुछ क्या कार्रवाई करते हैं, जो कुछ होगा वो फिर आपको मैं बताऊंगा आगे क्या होने वाला है। धन्यवाद। कप्तानगंज नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए भाजपा से कमल के सिंबल पर इंजीनियर वीरेन मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जनता का जिस तरह से हम भरोसा करते हैं, इस बार हम नगर पंचायत अध्यक्ष चुने जाएंगे और हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई विकास और भ्रष्टाचार के खिलाफ है। कप्तानगंज बाजार को भी सुंदर और सुशोभित बनाएंगे, निश्चित तौर पर हम जनता हमारे साथ है। के प्रत्याशी इंजीनियर वीरेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, जनता जान रही है, जनता को बताने की आवश्यकता नहीं है। मोदी योगी आज प्रदेश में हावी है, उसी तरह से इंजीनियर वीरेंद्र मिश्रा जी यहाँ पर कप्तानगंज में हावी है।
आपका अभी क्या माहौल है? अभी 11 तारीख को मतदान होना है, कितना वोट पड़ने वाला? कप्तानगंज में माननीय वीरेंद्र मिश्रा जी का एक तरफा चल रहा है और वीरेंद्र मिश्रा ऐसे भाजपा से यहाँ प्रत्याशी बनाए गए हैं, बहुत ही सरल आदमी है। आप इनको चाहे जहाँ जिस स्तर से बुलाएंगे उस स्तर से कप्तानगंज की सेवा करेंगे और इनको कोई मतलब इस बार बुलडोजर भारी पड़ने वाला है। बुलडोजर हमेशा भारी पड़ता है, आपको ही पता है बुलडोजर भारी है। चलिए ठीक, कप्तानगंज में कमल भारी पड़ने वाला है सारे पार्टियों से? भारी पड़ने वाला नहीं, कमल भारी है जी। और क्या कहेंगे यहाँ की जनता के लिए? अभी जनता का बहुत बहुत शुक्रिया, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। जनता ने कमल को भरपूर बहुमत देने का संकल्प लिया। जो 11 तारीख को मतदान होने वाला है अभी, उसको लेके क्या अपील करेंगे जनता? जनता से बस यही अपील है कि सुबह पहले मतदान तक जलपान के सिद्धांत के आधार पर जाके सर्वप्रथम मतदान करें और भारतीय जनता पार्टी के कमल पर मोहर लगा के भारी मतों से विजय करें। अगर 13 तारीख को आप चेयरमैन बनते हैं तो सबसे पहले कौन सी प्राथमिकता होगी? सबसे पहले प्राथमिकता होगी कि स्वच्छ प्रशासन देना, नगर पंचायत का स्वच्छ प्रशासन हो, आदर्श नगर पंचायत बने, इसके लिए प्रशासन स्वच्छ हो। और पहले सबसे पहले काम है गांव के पहुंच मार्गों को निर्माण कराना। ठीक है प्रत्याशी। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में ठिकरी रोड पर ग्राम दसंगा यात्रियों से भरी बस पुल से सीधे नदी में जा गिरी, जहां बस के गिरते ही वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना में 22 यात्रियों की मौत हो गई जबकि डेढ़ दर्जन लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के बाद से ही आतंक की कमर तोड़ने की प्रभावी कार्रवाई जारी कर दी गई है। वहीं PFI देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनने के बाद से देश भर में आतंक का सफाया करने के लिए और आतंक के स्लीपर सेल्स की कमर तोड़ने के लिए बहुत ठोस और प्रभावी प्रयास हुए हैं और उसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में PFI के बहुत सारे लोगों को, संदिग्ध जो है उनको पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है, पूछताछ के लिए उठाने का काम किया है, क्योंकि ऐसे लोग देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है और ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर यह कार्रवाई होती रहेगी और ऐसे मसलों को लेकर के बेहद संवेदनशीलता बरतने की आवश्यकता है। खबर यूपी के कानपुर देहात से, जहां बिना रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट की अवैध गाड़ियों को डीजे गाड़ी बनाकर चलाई जा रही है। वहीं सड़क पर बिना नंबर प्लेट और बिना रजिस्ट्रेशन के डीजे वाहन खर्राटे काट रहे। बता दें कि रजिस्ट्रेशन और परमिशन के नाम पर डीजे की बुकिंग की जाती है। करीब 12 से 15 अवैध डीजे गाड़ियां चलाई जा रही है, जहां पुलिस की साठगांठ में बिना रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट की डीजे गाड़ियां चलाई जा रही है। अब देखने की बात यह होगी कि 12 से 15 अवैध डीजे गाड़ियों पर पुलिस कार्रवाई करती है या फिर इसी तरह से चलती रहेगी। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले निसरपुर की बेटी दीपाली पाटीदार ने अमेरिका में भारत का गौरव बनाया। जहां दीपाली पाटीदार पिछले 2 सालों से अमेरिका में रहकर कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही है। इस वर्ष दीपाली का अंतिम वर्ष था, जिस पर दीपाली पाटीदार ने कड़ी मेहनत करते हुए अमेरिका में मध्य प्रदेश और छोटे से कस्बे निसरपुर का नाम रोशन किया है। बता दें कि दीपाली पाटीदार निसरपुर की रहने वाली है। इनके पिता तुलसीराम पाटीदार और परिवार किसानी का कार्य करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा को महत्व देकर उच्च शिक्षा में भरपूर योगदान दिया है, जिसके चलते आज दीपाली ने अपने परिवार और पिता का नाम गौरवान्वित किया है। आपकी बालिका ने यूएसए अमेरिका से डिग्री प्राप्त की है, बालिका बचपन से ही वह पढ़ाई में विशेष रुचि रखती थी। 5वीं में उन्होंने नवोदय सिलेक्शन होकर नवोदय विद्यालय गई थी, परंतु वहाँ पे कुछ व्यवधान आने के कारण, मतलब भाषा की तकलीफ के कारण वो वापिस आई। फिर उसके बाद में उसने मेरे को बोला कि मैं इस गांव में नहीं पढ़ूंगी, मुझे उच्च शिक्षा पाना है, इसलिए मुझे कोई बाहर की स्कूल में भेजो। फिर उसको मैंने इंदौर में कोचिंग के लिए भेजा था। इंदौर में डमी स्कूल से उसने कॉलेज की और IIT की डिफेंस के लिए कोटा भेजा था। कोटा से वहाँ पढ़ाई करने के बाद में उसका सिलेक्शन हुआ, वो IIT रुड़की में बीटेक की डिग्री के लिए एडमिशन हुआ उसका। कड़े संघर्ष के बाद में इस बीच में उसका
इसरो में भी सिलेक्शन हुआ था, परंतु उसने इसरो में नकारा और वो आईआईटी फिर एक बार से करा। उसमें सिलेक्शन होने के बाद में उसने बीटेक की डिग्री लेने के बाद दो साल तक अपने खुद के पैसे इकट्ठे करने के लिए उसने जॉब किया, और जॉब करने के बाद में उसने जेआरई के कंपटीशन एग्जाम पास करके फिर अमेरिका गई। इसमें सिलेक्शन होने के बाद में वहाँ पर फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ। वहाँ पर दो साल की पढ़ाई करने के बाद उसकी डिग्री प्राप्त हुई है। इसी कुछ महसूस हो रही है कि जब एक भारत की बेटी अमेरिका में भारत का परचम लहरा रही है। बहुत ही खुशी और आनंद का पल है, और परिवार एवं पाटीदार समाज के लिए, गांव निसरपुर के लिए गौरव का पल है कि एक छोटे से किसान की बेटी अमेरिका में जाकर परचम लहरा रही है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, कितनी खुशी है आपको आपकी बालिका ने? बहुत खुशी की बात है, माँ नर्मदा की कृपा से हमारी बेटी ने ये हासिल किया, और मैं चाहती हूँ कि सब बच्चियों को अपने अपने पिताजी तक पढ़ाए, बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ। आपकी बालिका ने